हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। ये प्रोजेक्ट लामा 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि फेसबुक ने रिलीज किया था कुछ टाइम पहले, उसके ऊपर बेस्ड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और इट इज वेरी सिमिलर टू चैट जीपीटी। और इसका आप जो है यूज अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपने कॉलेज असाइनमेंट के लिए या फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए या फिर पर्सनल लर्निंग के लिए या इसका यूज करके आप मतलब इससे इंस्पिरेशन लेके समथिंग आप प्रोफेशनल लाइफ में भी या फिर अपने ऑफिस के लिए भी कुछ बना सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो कैसे रहने वाली है। आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली ये है क्या, करता क्या है। दूसरा, इसका एक पूरा वर्किंग डेमो दिखाएंगे कि बेसिकली इसके क्या क्या फीचर है और कैसे ये जो है इसका एक्चुअल वर्किंग डेमो दिखाएंगे, कैसे ये काम करता है। तीसरा, मैं आपको जो है कोड का वॉक थ्रू करवाऊंगा। तो ये तीनों चीजें आज की वीडियो में रहने वाली हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो ना पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, बट आई एम वेरी श्योर कि ये आज का जो प्रोजेक्ट है इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है कि आपको ये पसंद आएगा ही आएगा। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या, ये इसका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये बेसिकली सामने से आप देख रहे हो कि एक वेब ऐप है, इसके पीछे एक बैकएंड है और उसके पीछे एक मॉडल है जो कि काम करता है। तो बेसिकली ये है क्या, इट इज वेरी सिमिलर टू योर चैट जीपीटी, लेकिन इसमें बेसिकली इसका इसमें डिफरेंस क्या है कि ये आपका लोकल जीपीटी है, यानी कि लोकल जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है ये, इसकी फुल फॉर्म। इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई किसी भी टाइप का जो नॉलेज बेस है, लेट्स से आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पीडीएफ फाइल है या डॉक फाइल है या किसी और टाइप का जो है आपके पास बहुत ही किसी और टाइप का डॉक्यूमेंट है, बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट बेस है, तो आप उस डॉक्यूमेंट बेस के ऊपर इस मॉडल को ट्रेन करते हो और उसको यूज कर सकते हो और आप उस डॉक्यूमेंट से या उस नॉलेज बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हो। ये आपको रियल टाइम में उसका आंसर देगा, जस्ट लाइक वेरी सिमिलर टू योर चैट जीपीटी। ठीक है, तो आई होप एक आइडिया लग गया होगा कि ये बेसिकली क्या करता है। और अगर एक सिंपल साधारण एक लाइन में बात करूं तो ये एक लोकल जीपीटी है जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बैकएंड में यूज किया गया है। ये बेसिकली क्या करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी क्वेरी करना चाहो, कितने भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है, कितने भी बड़े डॉक्यूमेंट्स है, कितना भी बड़ा टेक्स्ट कॉर्पस है, पीडीएफ कॉर्पस है, उससे आप किसी भी टाइप का क्वेरी करना चाहो ये उसका आंसर करेगा, जस्ट लाइक वेरी सिमिलर टू योर चैट जीपीटी। ठीक है, तो ये तो हुई इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब आ जाते हैं इसके डेमो के ऊपर। डेमो में बेसिकली क्या है कि जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक वेब यूआई है, वेब यूआई के थ्रू हम जो है इसका डेमो करेंगे। इसमें बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप सर्च करोगे तो उसका आंसर मिलेगा। और उससे पहले यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो अपलोड में क्या है कि बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मतलब जिनके ऊपर आप इसको ट्रेन करना चाह रहे हो, जिनका आप जो भी आपका नॉलेज बेस है उसको यूज करके आप आंसर ढूंढना चाह रहे हो तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से अपलोड करेंगे तो एक विंडो खुलेगी और यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो किसी भी टाइप के, मतलब किसी भी टाइप, इन द सेंस टेक्स्ट टाइप के हैं, पीडीएफ टाइप के हैं और कुछ और टाइप्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा विद इन दिस वीडियो। तो आप उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे मैं कोई एक सर्च कर कोई भी एक देता हूँ, लेट्स से एप्पल एयरपोर्ट मैक्स सेल। ये एक बेसिकली, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये बेसिकली है क्या। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, बेसिकली सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या है कि एप्पल के एयरपोर्ट के बारे में एक न्यूज आर्टिकल है, उसकी डिटेल्स लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही कुछ कितने भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कुछ 5-10 के ऊपर ट्राई किया है। ठीक है, आप कितने भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के डेमो पर्पज के लिए हम एक ही को इसमें अपलोड करते हैं। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक विंडो आ जाती है, इसमें ये पूछता है कि आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं, रीसेट करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं। ऐड में ये होगा कि जो इस मॉडल का ऑलरेडी एक नॉलेज बेस बन गया है उसमें आप इस नए को ऐड कर देंगे। ठीक
ठीक है, लेकिन रीसेट में ये होगा कि भाई आपका जो पहले एक एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है इस मॉडल का, आप बोल रहे हो कि नहीं उस नॉलेज बेस को खाली कर दो, ये जो मैं नया दे रहा हूँ इसको जो है इसको अपने नॉलेज बेस में ऐड कर लो। सो ऐड और रीसेट में ये फर्क है। कैंसिल में बेसिकली कुछ नहीं होगा कि आप इसको कैंसिल कर दोगे, ये अपलोड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ऐड कर देता हूँ, ऐड मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा इंजेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इसने डॉक्यूमेंट को उठा लिया है और ये अपने जो है नॉलेज बेस में स्टोर कर रहा है। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो जो मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया था वो एक न्यूज आर्टिकल था एप्पल एयरपोर्ट के बारे में, वो बेसिकली इसने प्रोसेस कर लिया, इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, अब इंजेस्ट करने के बाद मैं उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली एप्पल एयरपोर्ट की सेल के बारे में बात करी गई है, तो इस नॉलेज बेस से रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक पहला क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एयरपोर्ट मैक्स। सो मैं इसका एक पूछता हूँ कि भाई एयरपोर्ट मैक्स का क्या प्राइस है। सो जैसे ही मैंने इसको क्वेश्चन दिया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरेटिंग रिस्पॉन्स आ गया, तो अब ये क्वेरी जो है पीछे चली गई है, अब इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोसेस करेगा और हमें आंसर देगा। सो जब तक कि रिस्पॉन्स आता है वी कैन वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हाँ, तो जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आ गया है, जैसे आप देख पा रहे हो ये मेरा मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द प्राइस ऑफ एयरपोर्ट मैक्स, और ये इसने आंसर दिया है द प्राइस ऑफ एप्पल्स एयरपोर्ट मैक्स इज $450 एट अमेजोन एंड बेस्ट बाय, विच इज $100 डिस्काउंट फ्रॉम देयर यूजुअल प्राइस। ओके, और उसके बाद इसने सोर्सेज भी दिए कि किन सोर्सेज का रेफरेंस यूज करके इसने ये आंसर दिया। तो ये वाला इसने दिया है कि भाई मैंने ये वाला इसको ये, वो दिया था जो हमने बेसिकली जो फाइल हमने अपलोड करी थी एप्पल एयरपोर्ट मैक्स सेल्स .txt, ऐसे इसमें भी सेम ही वो है। यहाँ पे इस आप देख रहे हो कि इसने ये वाला जो ब्लॉक इसको यूज किया होगा। सो बेसिकली ये इसने यहाँ पे तीन सोर्सेज दिए। नाउ दिस कोड इज डिजाइंड इन सच ए वे कि जो ये आंसर करता है, लेट्स से हमारी ये क्वेरी थी और इसका ये आंसर है, उस आंसर के लिए ये चार सोर्सेज देता है कि जो इसको मोस्ट रेलेवेंट चार सोर्सेज मिले हैं जिनके बेस पे उसने आंसर दिया है। तो क्योंकि हमने एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो एक ही डॉक्यूमेंट जो है इसने जो है यहाँ पे बताया कि एप्पल एयरपोर्ट मैक्स सेल का मैं इसने यूज किया है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे सोर्सेज के बारे में बताया है, दैट्स इट। तो ये इसका एक जो हमारे क्वेश्चन था उसका बहुत किसने करेक्ट आंसर दिया है। मैं आपको एक और आपको जो है इसका वो दिखा एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। मैं इससे पूछता हूँ कि डज एप्पल एयरपोर्ट हैज नॉइज कैंसलिंग, सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन एंड लेट सी व्हाट आंसर दिस गिव्स फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी इसने आंसर दे दिया। हमने क्वेश्चन पूछा था डज एप्पल एयरपोर्ट हैज नॉइज कैंसलिंग, सो इसने आंसर दिया है यस द एयरपोर्ट मैक्स टू हैव मै नॉइज कैंसलिंग कैपेबिलिटीज ब्ला 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 व्हाट एवर इट इज। सो द पॉइंट हेयर इज दैट कि जो हमने क्वेश्चन पूछा था हमारे डॉक्यूमेंट कॉर्पस या उसके नॉलेज बेस का यूज करके इसने बहुत करेक्ट आंसर दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिसोर्स मतलब सोर्सेज भी देता है कि कौन से सोर्सेज को का रेफरेंस लेके या कहाँ से इसने जो है वो आंसर ढूंढा है। तो यहाँ पे तीनों सेम ही सेम नेम ऑफ फाइल अपियर हो रहा है क्योंकि हमने एक ही फाइल वहाँ पे हमारे नॉलेज बेस में अपलोड करी है। सो ये तो था इसके डेमो के बारे में। अब आ जाते हैं इसके कोड के ऊपर। तो कोड के लिए मैं आपको अपनी पाईचार्म की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कोड की स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सो ये मेरा एक पेरेंट प्रोजेक्ट है। इस पेरेंट प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लोकल जीपीटी यूआई, दिस पार्ट कंटेन्स द ऑल ऑफ द जीयूआई यूआई पार्ट ऑफ दिस। सो जो आप यूआई स्क्रीन यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो सारा कोड उसके अंदर है। ठीक है, ये एक प्लेन वेब पेज है और जैसे हमारी रेस्ट बेस्ड एपीआईज होती हैं उनको कॉल कर रखा है बैक एंड पे जो हमारी होस्टेड है, सो वैसा है। सो इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाला हूँ। इट्स अ प्लेन पाइथन प्लेन पाइथन कोड जो कि बेसिकली यूआई का यूआई के लिए डिजाइंड है और बेसिकली एपीआई इसको कॉल कर रहा है एज पर द यूजर एक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इस फोल्डर के ऊपर सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या है कि जो हमने जहाँ जैसे हमने यहाँ से अपलोड करते टाइम यहाँ से जो अपलोड किया था वो हमारा यहाँ पे अपलोड होता है सोर्स डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर। हमने ये वाला जो एप्पल एयरपोर्ट मैक्स सेल्स जो टीएक्सटी वाला जो टीएक्सटी डॉक्यूमेंट इसको दिया था
वो यहाँ पे अपलोड होता है, ठीक है। उसके बाद डीबी के ऊपर आ जाते हैं। डीबी में बेसिकली ये क्या है कि हमारा वेक्टर डेटाबेस बनाता है, कोड हमारा जो है इस डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किया है इस डॉक्यूमेंट का यूज करके वेक्टर डेटाबेस में इसको स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो डीबी यहाँ पे मतलब आप अलग से ऐसे कुछ समझ नहीं पाएंगे, इट्स ऑटो जनरेटेड बाय माय कोड, मतलब बाय दिस कोड बेसिकली। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नीचे वाले कोड के ऊपर, जो क्विकली जो हमारी मेन जो फाइल्स हैं यहाँ पे, जैसे इंजेस्ट डॉट पी वाई है। ये इंजेस्ट डॉट पी वाई में बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद जो है ये बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को रीड करके और इंजेस्ट कर देता है, ठीक है। सो इंजेस्ट वाला सारा लॉजिक इस कोड इस फाइल के अंदर लिखा हुआ। अब जैसे कुछ कुछ आपकी मशीन में हो सकता है कि ये जीपीयू ना हो, तो ये सीपीयू का यूज कर लेता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपके पास कूडा है तो आप यानी कि आपकी मशीन के ऊपर एनवीडिया का जीपीयू है और आपने कूडा को कंफिगर कर रखा है, कूडा इंस्टॉल्ड है, कूडा को कंफिगर कर रखा है, तो उस केस में ये और भी ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मेन वही है कि यहाँ पे एम्बेडिंग्स क्रिएट करके और उनको यहाँ पे स्टोर कर देता है आपकी परसिस्टेंट डायरेक्टरी। परसिस्ट डायरेक्टरी इज माई दिस वन स्लैश डीबी, तो यहाँ पे जो है इनको स्टोर कर देता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे इनको स्टोर कर देगा, ठीक है, वेक्टर डेटाबेस की फॉर्म में। और सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर जो है हमारी जो हम फाइल अपलोड करेंगे वो वाली फाइल होगी, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया है इंजेस्ट डॉट पी वाई फाइल, और उसके बाद कॉन्स्टेंट डॉट पी वाई फाइल में भी कुछ चीजें मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट मैप बेसिकली कौन कौन से टाइप के डॉक्यूमेंट सपोर्टेड है इसमें, डॉट टी एक्स टी है, डॉट एम डी है, डॉट पी वाई है, डॉट पी डी एफ है, डॉट सी एस पी, डॉट एक्स एल एस है, डॉट डॉक्स है और डॉट डॉक है। सो बेसिकली ये वाले इस टाइप के डॉक्यूमेंट आप जो है इसको दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये कुछ कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एम्बेडिंग के लिए हमने ये वाला प्रोजेक्ट ये वाला मॉडल यूज किया है बेसिकली एम्बेडिंग गेट करने के लिए। और जो मेरा बेस मॉडल है बेसिकली जो बैकएंड पे चलता है क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो वो ये वाला लामा 2 7B चैट GGML। GGML इसलिए यूज किया क्योंकि मेरी मशीन के ऊपर जीपीयू नहीं है, तो GGML वाला वर्जन मैंने इसमें यूज किया। अगर आपकी मशीन के ऊपर जीपीयू है तो आप ये वाला यूज कीजिए, GPTQ वाला, दिस वन, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग से कोई भी मॉडल उठा सकते हैं, कोई और मॉडल अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। हगिंग फेस की वेबसाइट पे काफी सारे मॉडल जो ओपन सोर्स मॉडल जो है होस्टेड है, तो यहाँ पे कुछ मैंने लिस्टेड कर रखे हैं, आप जो है उनको अनकमेंट करके अपने अकॉर्डिंग अपनी मशीन के कंफिग्रेशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और जो हमारी जो है बेसिकली ये वाली फाइल जो एपीआई फाइल है, रन जीपीटी एपीआई फाइल। सो इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये बेसिकली आप समझ लीजिए प्लेन लैंग्वेज में, यहाँ पे हमारा जो है बैकएंड है। बैकएंड में बेसिकली क्या है कि मॉडल होस्टेड है और मॉडल आंसर करता है और कुछ एपीआई के एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एपीआई के एंड पॉइंट जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ऐप डिलीट सोर्स, जब मैं बोलता हूँ कि भाई ये वाली एपीआई तब कॉल होती है जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जब मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड करते टाइम जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे देखा होगा जब मैं रीसेट करता हूँ तो रीसेट में बेसिकली क्या करता है, ये पुराना नॉलेज बेस है उसको हटा देता है, तो उस टाइम पे ये वाली एपीआई कॉल होती है, एपीआई डिलीट सोर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका कोड है, यहाँ पे सेव डॉक्यूमेंट में बेसिकली जब हम अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उसका कोड यहाँ पे है। और रन इंजेस्ट का जो इंजेस्ट डॉट पी वाई फाइल मैंने आपको दिखाई थी, ये बेसिकली उसको रन करने के लिए इंजेक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को लेते हैं, उसको लेके उसको अपलोड करवाते हैं, उसकी एक लोकल कॉपी सेव करते हैं और उसकी उसको उसकी एम्बेडिंग्स निकाल के हम जो है अपने उसमें सेव कर लेते हैं वेक्टर डेटाबेस में, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ, तो ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट रूट है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप जो अपना यूजर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी हमको जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एपीआईज बैकएंड वाली एपीआईज होस्टेड है, और बाकी और जो है उतनी रेलेवेंट मतलब फंक्शनैलिटी वाइज उतनी रेलेवेंट नहीं है, ऑल्दो दे हैव देयर ओन रोल इन दिस प्रोजेक्ट। तो ये हमारा हो गया कोड का। इस प्रोजेक्ट को अपने किसी पर्सनल पर्पज के लिए, जैसे कि कॉलेज असाइनमेंट या फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए,
या पर्सनल लर्निंग के लिए, या फिर इसको लर्न करके समझ के और फिर प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में कुछ ऐसा सिमिलर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने सारी डिटेल्स जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पिंड कमेंट में भी है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को आप जो बेसिकली अपनी किसी भी यूज केस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस।